देख सकते हैं, ये एक LG का 1.5 टन का AC है, इन्वर्टर AC, ड्यूअल इन्वर्टर। इसमें प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा। कस्टमर का कहना है कि थोड़ी देर चलता है आउटडोर और फिर से बंद हो जाता है। आज हम इसको चेक करेंगे बाय जिग, जिग के थ्रू चेक करेंगे। ये हम लोग आज जिग, ये LG का जिग है, इसके थ्रू चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी एरर कोड इंडोर पे शो नहीं कर रहा। तो इससे क्या होता है, शो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि ये वायर क्यों निकली होती है, इसका क्या काम है, ये जो छोटा सा वायर है इसका क्या यूज़ है। आज हम लोग यही देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है और इसमें क्या लगता है ऐसा। ठीक है, तो वो ये वाला जिग लगता है जो हम लोग अभी लगाएंगे। इसी के थ्रू पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको लगाने के बाद हम लोग इसको जो डाटा है सारा डाटा फ़ोन पे दिखाई देता है। तो चलिए इसको लगा के हम लोग चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एसी में। देख सकते हैं ये हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, इस पर एक LED भी ब्लिंक कर रही होगी जो आप देख सकते हैं। बहुत ही कम लाइट है इसमें, पर लाइट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको फ़ोन से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा। सारा फ़ोन में ही दिख जाता है, देख सकते हैं सारा कुछ हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको AC को टेस्ट रन मोड पे स्टार्ट करेंगे और फ़ोन में देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट बताता है इसका। देख सकते हैं अभी तक कोई भी एरर नहीं आया है, बिल्कुल सारा कुछ सही बता रहा है, इसका ग्राफ भी सही चल रहा है और कोई भी एरर कोड नहीं शो कर रहा है इसमें। ये टेस्ट रन मोड पूरे 18 मिनट तक चलता है, तो हम लोग पूरा 18 मिनट चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है इसमें।
देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट का एक इंडिकेट कर रहा है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्यों घटते जा रहा। मैक्सिमम लिमिट का जो कॉलम था वो 18 से घट के 10 पे आ चुका है। अभी तक कोई एरर शो नहीं कर रहा है इस पे, तो वेट करेंगे कि कोई एरर आता है या नहीं आता है। अभी देखिए 10 मिनट होने वाला है, देखते हैं और 8 मिनट चला के कि क्या इसमें एरर आता है या फिर आता भी है या नहीं आता है। देख सकते हैं मैक्सिमम लिमिट 8 तक पहुंच चुका है और ग्राफ भी बिल्कुल हम लोग का सही चल रहा है अभी तक। देख सकते हैं सारा ग्राफ इसका बिल्कुल सही चल रहा और कोई भी एरर कोड इसमें अभी तक शो नहीं कर रहा है। पर एक कॉलम है यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट का, ये 6 तक पहुँच गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल अभी इसमें बताएंगे आपको कि क्या प्रॉब्लम है। लगभग 2 मिनट और चलेगा ये, उसके बाद ये टेस्ट रन मोड बंद हो जाएगा और ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। टीई लिमिट 4 तक पहुंच चुका है और देख सकते हैं आप कोई भी एरर इसमें नहीं आया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने कि इस वाले वायर का क्या काम होता है और यहाँ पे क्यों लगता है, ऐसे क्यों देती है कंपनी अलग से एक वायर निकाल के। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, देख सकते हैं ये वाला जिग है जिसके थ्रू क्या होता है ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है एसी और सारा डिटेल आपके फ़ोन में आ जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो मेन इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट का कॉलम था जिस पे टी लिमिट का एरर आ रहा था। टी लिमिट का एरर तब आता है जब कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है, उस टाइम पे टी लिमिट का एरर आता है। इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने पूरे अच्छी तरीके से इसको जेट पंप के थ्रू डीप वॉश किया, उसके बाद ये टी लिमिट का एरर हट गया और कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम था बार बार आउटडोर ट्रिप करने का वो बिल्कुल ठीक हो गया। कस्टमर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है।